ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। किसकी मांगे पूरी करते नजर आए टाइगर? जोया ने कैसे संभाला सब कुछ? हाईजैकर्स ने किसे बनाया बंधक? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। जब से जोया को टाइगर ने यूएसए एम्बेसी से परमिशन लेने के लिए कहा है तब से प्लेन हाईजैकर्स ने नर्सेस के सिर पर बंदूक तान दी है। वहीं दूसरी ओर टाइगर ने भी टनल से जाने का फैसला कर लिया है और अब टास्क फोर्स ने भी टनल का सफर चालू कर दिया है। उम्मीद है जोया और टाइगर मिलकर इस बार ये जंग जीत लेंगे और सारी बेटियों को छुड़ा कर ले आएंगे। जोया एक पाकिस्तानी स्पाई एजेंट रह चुकी है तो उसे ये आइडिया है कि किस तरह से एम्बेसी से डील करना है। टाइगर ने टास्क फोर्स को एक अलग तरह के वेपन्स दिए हैं जिससे प्लेन में एंटर करते समय आवाज ना हो और वो सब कम से कम समय में प्लेन के अंदर पहुंच जाए। चिट की मदद से नर्स ने भी एक गाइड मैप टाइगर को दे दिया है और उस मैप की वजह से टाइगर और जोया प्लेन के अंदर घुसकर नर्सेस को सेफली बाहर ला सकते हैं। हाईजैकर्स ने टाइगर से उसके दो आदमियों को जेल से निकलवाने की बात कही है। टाइगर ने इसके लिए भी ये प्लान सोचा है कि वो किसी मंत्री को अंदर भेज देगा और ये कहेगा कि उसके आदमी को छोड़ दिया जाएगा, वो टेररिस्ट उस पर भरोसा कर सकते हैं। टाइगर ने अपने चीफ से ये वादा किया है कि वो सारी लड़कियों को सकुशल उनके देश तक पहुंचाएगा। अब देखना ये है कि आखिर कैसे ये स्पाई वाला पावर कपल ये काम करने में सक्सेसफुल हो पाता है। टाइगर के दिमाग में भी ये भी आ रहा है कि इन नर्सेस की जान को खतरे में न डालते हुए वो हाईजैकर्स की बात मान ले, लेकिन जोया ये कह रही है कि हम सब उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के बाद भी किसी को नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे। टाइगर को जोया की बात ठीक लगती है और वो फॉल बैक प्लान बनाने की कोशिश में लग जाता है। टाइगर ने बहुत सारी जगह फोन कॉल्स किए हैं, इंडियन एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश की है। अगर कुछ बात सॉल्व हो पाए तो जोया और टाइगर दोनों एक दूसरे की हिम्मत बने नजर आ रहे हैं और जैसे कि हर बार वो सब कुछ लास्ट में ठीक कर देते हैं, इस बार भी सबको विश्वास है कि वो ठीक कर देंगे। पर वो ये सब कैसे करेंगे ये देखने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है टाइगर और जोया को इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए।